अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ स्टूडियो में डिस्कस करूंगा रिलीज़ ऑफ न्यू वेराइटीज़ इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यू वेराइटीज़ किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज़ होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम स्टूडियो में डिस्कस करेंगे। तो अपने स्टूडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। ब्रीडर एंड करेक्टरिस्टिक्स, ये न्यू वेराइटी किस तरह डिवेलप करते हैं, ये ब्रीडर जितने भी ये कॉपीराइट करता है, ये जितने भी वेराइटीज़ होते हैं इस पर इसका हक होता है, मतलब प्रॉपरली वो इस पर काम कर सकता है। जो भी ब्रीडर होता है ये वेराइटीज़ डेवलप करते हैं। अ न्यू वेराइटी इज़ डेवलप बाय अ ब्रीडर हु हैज़ कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ओवर द वेराइटीज़। इस पर इसका पूरा हक होता है जो क्रॉसिंग करता है या न्यू वेराइटीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो ब्रीडर होता है। अकॉर्डिंग टू UPOV अ न्यू वेराइटी है स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक। अब ये UPOV क्या होता है? UPOV स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करते हैं, इसके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहते हैं कि जितने भी न्यू वेराइटीज़ इसके एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक होता है। फर्स्ट वन, इट बिलोंग टू अ सिंगल बोटानिकल टैक्सन ऑफ द लोवेस्ट नॉन रैंक। ये क्या होता है, सिंगल टैक्सन, मतलब जो टैक्सन में होता है इसका लोवेस्ट रैंक होता है, इसका एक खसूसियात है। सेकंड, इट्स करेक्टरिस्टिक रिजल्ट फ्राम अ स्पेसिफिक जीनोटाइप और कम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप्स। इसमें एक ख़ास कस्म का जीनोटाइप होता है, एक होता है पिनोटाइप, दूसरा होता है जीनोटाइप, इसका ख़ास पिनोटाइप होता है। थर्ड नंबर, इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्राम अदर प्लांट ग्रुपिंग बाय एक्सप्रेसिंग एटलीस्ट वन यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें एक खसूसियत क्या होता है, डिफरेंट होता है फ्राम अदर प्लांट्स, तो इसलिए ये न्यू वेराइटीज़ में प्रोड्यूस होते हैं। इट कैन बी प्रोपिगेटेड विदाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस, और इस पर प्रोपिगेशन भी होता है, कोई भी चेंजेस के बगैर भी ये प्रोपिगेट होता है और ये स्प्रेड होता है। कंसिडर एज अ डिस्टिंक्ट यूनिट, और ये मुख्तलिफ होता है अदर वेराइटी से। अब ब्रीडर क्या होता है, ब्रीडर की डिफिनेशन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू UPOV इसके मुताबिक अ ब्रीडर एज अ पर्सन हु ब्रीड, वो पर्सन होता है जो इस ब्रीडिंग प्रोसेस को करता है, ब्रीडर डिस्कवर्ड एंड डेवलप द वेराइटी और द एम्प्लॉयर कमिश्नर ऑफ दैट पर्सन। अब ये क्या करते हैं, ये ब्रीडर डिस्कवर करते हैं, डेवलप करते हैं न्यू वेराइटीज़, या तो ये एम्प्लॉय होता है या कमिश्नर होता है इस पर्सन के, मतलब इसके लिए काम करता है। ब्रीडर कैन बी इंडिविजुअल्स, ब्रीडर एक भी हो सकता है, एक पर्सन जिस तरह मेंडल था, फार्मर भी हो सकता है, कंपनीज भी हो सकता है, और साइंटिस्ट यूजिंग वेरियस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स के जरिए से ये ब्रीडिंग करता है, इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से प्लांट की न्यू वेराइटीज़ बनाता है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यू वेराइटीज़ के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, पर वेराइटी टू रिसीव प्रोटेक्शन और कॉपीराइट। न्यू वेराइटीज़ के लिए ज़रूरी है कि इसके लिए प्रोटेक्शन और कॉपीराइट ज़रूरी है। इट मस्ट मीट द पॉलिंग क्राइटेरिया, इसके कुछ क्राइटेरिया है। फर्स्ट नंबर ये है कि नावल्टी, मतलब नावल ये है कि एक नया न्यू वेराइटीज़ है। द वेराइटी शुड नॉट हैव बीन सोल्ड और डिस्पोज ऑफ इन द रिलेवेंट टेरिटरी फॉर मोर देन वन ईयर बिफोर अप्लाइंग फॉर ब्रीडिंग राइट्स। नावल्टी का मतलब ये होता है कि ये पहले ना, मतलब इसका कोई भी वेराइटीज़ मौजूद नहीं होता है मार्केट में, ये वाहिद ये है, तो इसका मतलब ये होता है नावल्टी इसमें है, यूनिकनेस है, डिस्टिंक्टनेस। द वेराइटी मस्ट बी क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर नॉन वेराइटीज़ से, ये मुख्तलिफ होगा तब ये ब्रीड न्यू वेराइटीज़ ही प्रोड्यूस होता है। थर्ड नंबर, यूनिफॉर्मिटी, द वेराइटी शुड डिस्प्ले यूनिफॉर्म करेक्टरिस्टिक कंसिडरिंग द एक्सपेक्टेड वेरिएशन इन इट्स प्रोपिगेशन। इसमें यूनिफॉर्मली करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होता है, वेरिएशन प्रोपिगेशन में क्या होता है, इसमें जो वेरिएशन होता है वो यूनिफॉर्मली करेक्टरिस्टिक, मतलब सेम होता है या यूनिफॉर्म करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें। स्टेबिलिटी, द रिलेवेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ वेराइटी मस्ट बी रिमेन अनचेंज आफ्टर रिपीटेड प्रोपिगेशन। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि स्टेबल होता है प्रोपिगेशन, रिपीटेडली प्रोपिगेशन के बाद भी अगर ये चेंज ना हुआ तो ये स्टेबल है, इसके लिए ये क्राइटेरिया भी है। डोमिनेशन, डिनोमिनेशन, द वेराइटी नेम मस्ट बी रजिस्टर्ड बाय मेंबर ऑफ अ यूनियन इशूइंग द प्रोटेक्शन टाइटल। अब ये इसका नेम क्या होता है, ये रजिस्टर होना चाहिए जो भी न्यू वेराइटीज़ है जो प्रोटेक्शन
इसके जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है उसे रजिस्टर होना चाहिए। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट न्यू वेराइटीज़ एंड प्लांट्स। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।